तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक अमेरिकन कॉमेडी थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है प्रॉमिसिंग यंग वुमन, जो कि सन 2020 में रिलीज हुई। इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं एमरल्ड फेनल, जो कि इस मूवी के राइटर भी हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10 एंड रॉटिंग टोमेटोज में ये 90% फ्रेश है विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 88%। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन मूवी है। इतना ही नहीं, इस मूवी को द ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए इस साल ऑस्कर भी मिली है। तो बिना देरी करे चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है एक नाइट क्लब से, जहां हम लोग तीन दोस्त को देख पाते हैं जिनका नाम था जेरी, पॉल और जिम। तभी वो लोग वहां पर एक लड़की को नोटिस करते हैं जिसके नाम थे कैसी। कैसी बहुत ही ज्यादा शराब पी रखती होती है और चलने की हालत में भी नहीं होती। उसे देखकर पॉल और जिम कुछ मिसोजेनिस्टिक कमेंट्स पास करते हैं। अगर जेरी सीधा जाकर कैसी को अप्रोच करता है और उसे उसके घर छोड़ने के लिए हेल्प ऑफर करता है, क्योंकि कैसी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए वो भी जेरी के साथ जाने के लिए मान जाती है। मगर जेरी का नियत कुछ ठीक नहीं था। वो उसे उसके घर छोड़ने के बजाय अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और उसे और ड्रिंक्स पिलाने की कोशिश करता है। फिर वो उसके एकदम करीब आता है और उसे इनअप्रोप्रिएटली किस करता है। तभी कैसी बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और उसे सोना है। जेरी उसे अपने बेडरूम में ले आता है और वहाँ वो उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है। कैसी बहुत ही ज्यादा नशे में और बोलती है कि प्लीज स्टॉप, ये सब मत करो। मगर जेरी उसका बात नहीं सुनता। तभी अचानक कैसी एकदम उठ के स्ट्रेट बैठ जाती है, जैसे मानो उसे कभी नशा हुआ ही ना। और वो जेरी की आंख में रख के बोलती है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जेरी की एकदम फट जाती है। यहाँ सीन कट होती है और नेक्स्ट दिन सुबह हम लोग कैसी को उसके घर में देखते हैं, जहाँ वो एक कॉपी में जेरी का नाम लिखती है, जहाँ कुछ और लड़कों के भी नाम लिखे होते हैं। दोस्तों कैसी का उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी और वो एक मेडिकल स्कूल ड्रॉप आउट थी और वो अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती थी। उसकी कोई भी दोस्त नहीं होते और वो एक कॉफी शॉप में काम करती है। एक दिन कॉफी शॉप में उसका ओल्ड क्लासमेट रायन आता है, जो कि एक डॉक्टर था। वो कैसी से कहता है कि उसका हमेशा से कैसी के ऊपर क्रश था। वो कैसी को अपने साथ डेट पे जाने के लिए पूछता है। उसी रात हम लोग कैसी को एक नील नाम की लड़के के अपार्टमेंट में देखते हैं, जो उसे क्लब से वहां पर लाया था। और पिछली बार की तरह इस बार भी कैसी ड्रंक होने का नाटक कर रही थी और बोलती है कि उसे अपने घर जाना है। मगर नील उसे ड्रग देकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मगर अचानक कैसी अपना असली रूप दिखाती है और नील एकदम से डर जाता है। उसे लगता है कि कैसी एक काइंड ऑफ साइको है। वो कैसी से कहता है कि वो एक अच्छा लड़का है और वो उसे छोड़ दे। कैसी कहती है कि मैं हर हफ्ते क्लब में जाकर इसे ड्रंक होने का नाटक करती हूँ और हर दिन तुम्हारे जैसे अच्छे लड़के मेरे हेल्प करने के बजाय मेरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा इसीलिए करती हूँ ताकि वो आदमी किसी और लड़की के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। ये कह के वो वहां से चली जाती है। दोस्तों बेसिकली कैसी ड्रंक होने का नाटक करती थी और अचानक होश में आके उन्हें एकदम से डरा देती थी, जिसके बाद वो लड़का ऐसा करने के लिए 2 बार सोचेगा। कैसी के ये सब करने के पीछे एक वजह थी, जो कि हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और हम लोग कैसी को देखते हैं जो रायन को डेट कर रही होती है। एक दिन कैसी को पता चलती है कि रायन अभी भी उनके मेडिकल स्कूल के क्लासमेट्स के साथ कॉन्टेक्ट में है। रायन बताते हैं कि उनके स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का एल मोनरो यानी एलेक्स फाइनली शादी करने जा रहा है। एलेक्स का नाम सुन के कैसी एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है। दोस्तों कैसी का मेडिकल स्कूल से ड्रॉप आउट होने का मेन रीजन एलेक्स ही था। बचपन से कैसी की एक ही बेस्ट फ्रेंड थी, जिसके नाम थी नीना फिशर, जो कि उसके साथ मेडिकल स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन एक पार्टी के दौरान नीना बहुत ही ज्यादा शराब पी लेती है और इसका फायदा उठाकर एलेक्स और उसके कुछ दोस्त उसे उनके अपार्टमेंट में ले जाते हैं, जहाँ एलेक्स सबके सामने उसका रेप करता है और फिर उसके सभी दोस्त 1 by 1 मिलकर उसका रेप करते हैं। इसके बाद नीना की सुसाइड कर लेती है, मगर स्कूल का मैनेजमेंट अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। अपनी एक लौती दोस्त को खोने के बाद कैसी एकदम से टूट जाती है और अपनी पढ़ाई बिना पूरी करे स्कूल से निकल जाती है। वो आज तक नीना के साथ हुई इंसिडेंट के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहरा लेती है, क्योंकि उसे उस दिन बचाने के लिए वो वहां मौजूद नहीं थी। इसलिए वो हर हफ्ते एक नाइट क्लब में जाती थी ताकि वो ऐसे पबर्स को सबक सिखा सके। अब इतने सालों के बाद एलेक्स का नाम सुनकर कैसी अपना रिसर्च शुरू कर देती है और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हुए हादसे का बदला लेने के लिए ठान लेती है। कैसी की पहली टारगेट मैडिसन होती है, जो कि स्कूल में नीना और कैसी की काफी अच्छी दोस्त थी। मैडिसन को कंफ्रंट करने पर वो बताती है कि ये सब नीना की ही गलती थी। उस रात ज्यादा शराब पी के नशे में धुत होकर वो सभी लड़कों को अपने साथ कुछ भी करने के लिए इनविटेशन दे रही थी और ये तो होना ही था। कैसी उसकी बात सुनकर एकदम से गुस्सा हो जाती है और चालाकी से उसे बहुत ज्यादा शराब पिला देती है। इसके बाद हम लोग कैसी को उसी रेस्टोरेंट में एक लड़के से मिलते हुए देखते हैं। कैसी उसे कुछ पैसा देकर मैडिसन को उसके साथ एक होटल रूम में ले जाने बोलती है, क्योंकि मैडिसन अब बिल्कुल भी होश में नहीं थी। नीना के साथ जो भी गलत हुआ था वो मैडिसन को इसी चीज का एहसास दिलाना चाहती थी। इसके बाद उसके नेक्स्ट टारगेट थी एलिजाबेथ वॉकर। जब नीना की रेप हुई थी तब एलिजाबेथ उसी स्कूल के डीन थे। उस टाइम नीना की हेल्प करने के बजाय एलिजाबेथ स्कूल का रेपुटेशन को बचाने के लिए इस केस को दबा दिया था।
यासी उन्हें झूठ बोलती है कि उसने अभी अभी उसकी बेटी को एक होटल रूम में 3 लड़कों के साथ छोड़ दिया है। उसने काफी ज्यादा शराब पी रखी है और पता नहीं अब उसके साथ क्या होगा। ये सुनकर एलिजाबेथ एकदम से डर जाती है और यासी से रिक्वेस्ट करती है कि होटल का नाम बताने के लिए ताकि वो अपनी बेटी को बचाने जा पाए। उन्हें अपने गलती का एहसास होती है और वो रोते हुए कैसी से माफी मांगती है। इसके बाद कैसी के थर्ड टारगेट थे जॉर्डन, जो पहले एलेक्स का लॉयर था जिसने पहले नीना के केस में उसे जेल जाने से बचाया था। सिर्फ एलेक्स से नहीं बल्कि उसने कई सारे रेपिस्ट को सजा मिलने से बचाया था। मगर कैसी से मिलते ही जॉर्डन उसके पैरों में गिर जाता है। वो बताता है कि नीना की सुसाइड के बाद उसने सुकून की नींद नहीं सोया, ये सोच के कि उसने नीना के साथ कितना गलत किया था और एक रेपिस्ट का साथ दिया था। इसके बाद वो कैसी का साथ देने के लिए मान जाता है। इसके बाद कैसी नीना की मदद से मिलती है तो बताती है कि उसे मूव ऑन कर लेना चाहिए। उस केस के बाद नीना पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई और उसमें लोगों को फेस करने की हिम्मत नहीं थी और इसीलिए ही उसने सुसाइड कर लिया। नीना के मदर से बात करने के बाद कैसी अपने लाइफ में मूव ऑन करने की डिसाइड करती है और रायन के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करती है। फिर एक दिन कैसी से मिलने के लिए मैडिसन आती है जिसको उसके गलतियों का एहसास हो गया था। मैडिसन कैसी को एक वीडियो टेप देती है जो उन रेपिस्ट ने नीना के रेप के टाइम शूट किया था। ये वीडियो नीना के लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। मगर तभी अचानक टेप में एक आदमी का वॉइस सुन के उसकी होश उड़ जाती है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि रायन था। कैसी बिलीव ही नहीं कर पाती कि जिस लड़के से वो शादी करने की ड्रीम देख रही थी वो भी उन दरिंदों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद वो रायन से कन्फ्रंट करने के लिए सीधा उसके क्लिनिक जाती है। वो उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने बाकी रेपिस्ट का डिटेल्स नहीं बताया तो वो स्टेप का यूज करके उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। रायन डर के मारे उसे सारी डिटेल्स दे देता है और कैसी को पता चलती है कि एलेक्स अपना बैचलर पार्टी एक फार्म हाउस में ऑर्गेनाइज करने वाला है जहां उसके सभी दोस्त आएंगे जो उस वीडियो टेप में मौजूद थे। और कैसी उसी दिन अपना बदला पूरा करने के लिए ठान लेती है। इसके बाद वो एलेक्स के पार्टी में एक स्ट्रीपर बन के जाती है। वहां चालाकी से उसके सभी दोस्तों को ड्रग देने में कामयाब हो जाती है। फिर वो एलेक्स को उसके बेडरूम के अंदर लेकर जाती है और उसे एक हैंडकफ से बांध देती है। अभी तक एलेक्स को लग रहा था कि वो एक स्ट्रीपर है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था। मगर तभी उसे बांधने के बाद कैसी अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करती है और एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स निकालती है। एलेक्स एकदम से फ्रीक आउट हो जाता है और कैसी से माफी मांगने लगता है। मगर कैसी बोलती है कि तुमने मेरे दोस्त के साथ जो किया है उसके लिए तुम्हारे बॉडी में हर जगह सिर्फ उसी की ही नाम होनी चाहिए। इसलिए वो एक टूल निकाल के उसके चेस्ट पर नीना के नाम लिखने की कोशिश करती है। मगर एलेक्स किसी तरह अपना एक हाथ खोलने में कामयाब हो जाता है और कैसी के ऊपर हावी हो जाता है। वो कैसी के मुंह के ऊपर एक पिलो रख के उसे जोर से दबाने लगता है और कुछ देर बाद कैसी की वहीं पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों ये सीन हम व्यूज के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। इसके बाद मॉर्निंग में जब एलेक्स से मिलने के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड जोई वहां पर आता है तो कैसी को वहां पर मरा हुआ देखकर वो एकदम से डर जाता है। मगर वो एलेक्स को समझाने की कोशिश करता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, हम इसे ठिकाना लगा देंगे और ये बात किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर दोनों मिलकर कैसी के डेड बॉडी को लेकर उसी जंगल के बीचों बीच एक जगह जला देते हैं और कैसी का राज राज नहीं रहता। इसके बाद कैसी के पेरेंट्स एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। एक ऑफिसर जब कैसी के बारे में बात करने के लिए रायन से मिलने आते हैं तो रायन बताता है कि उनका ब्रेकअप हो गया है, वो लोग कई दिनों से बात नहीं किए। जबकि रायन को अच्छी तरह से मालूम था कि कैसी एलेक्स की बैचलर पार्टी में गई है। वो झूठ इसीलिए बोलता है ताकि उसका इनोसेंट इमेज सबके सामने ऐसे ही बना रहे और उसका करियर खराब ना हो। इसके बाद हमें मूवी में एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट देखने मिलता है जहां हमें पता चलती है कि कैसी ने ये सब पहले से प्रेडिक्ट की हुई होती है। उसे पहले से पता था कि जहां वो जा रही है वहां उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए वो जॉर्डन को पहले से एक लेटर भेजी होती है जिसमें वो जहां जा रही है उसका लोकेशन और नीना रेप केस की वीडियो टेप होती है। इनकेस अगर वो वापस नहीं आती है तो वो जॉर्डन को सारी सबूत पुलिस को देने के लिए लेटर में लिखी होती है। जॉर्डन भी ठीक ऐसे ही करता है और पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती है। छानबीन के दौरान उन्हें जंगल के अंदर कैसी की जली हुई राख मिलती है और वहां उन्हें एक लॉकेट भी मिलती है जिसमें नीना का नाम लिखी थी। इसके बाद पुलिस सीधा एलेक्स की वेडिंग पर पहुंचती है और उसे कैसी के हत्या के जुर्म में अरेस्ट कर देती है। तभी हम लोग रायन को देखते हैं जो वहीं पर मौजूद था और उसे कैसी की एक मैसेज आती है जो पहले से शेड्यूल था। उसमें लिखा था एंजॉय द वेडिंग लव नीना एंड कैसी। दोस्तों कैसी काफी ज्यादा ब्रिलियंट थी क्योंकि जब उसने एलेक्स की बैचलर पार्टी में जाने का फैसला किया था उसी टाइम वो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया था। मगर अपने बेस्ट फ्रेंड को जस्टिस दिलाने के लिए वो ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार था और साथ में ही उसने एक प्लान बी भी सेटअप की थी। इस मूवी की एंडिंग भी काफी ज्यादा सिंबॉलिक थी। दोस्तों कैसी हमेशा एक हार्ट ब्रोकन लॉकेट पहनती थी जिसमें उसका खुद का नाम लिखा था, लेकिन वो बैचलर पार्टी में जाने से पहले एक हार्ट शेप लॉकेट पहनती है जिसमें नीना का नाम लिखा था। जब पुलिस को उसकी राख मिलती है तब उन्हें वो लॉकेट भी वहीं पर मिलती है। इसे कैसी ये दिखाना चाहती थी कि उसके बेस्ट फ्रेंड के रिवेंज में सिर्फ वो नहीं बल्कि नीना भी उसके साथ थी और दोनों मिलकर नीना के रेपिस्ट को सजा दिलाने में कामयाब हुए। दोस्तों मूवी की एंडिंग एक नॉर्मल तरीके में भी हो सकती थी जहां कैसी बैचलर पार्टी में जाती है और सभी भेड़ों को ड्रग दिला के बेहोश कर देती है। उसके बाद वो वन बाय वन सबको मार के अपने दोस्त का बदला ले सकती थी।
या फिर एलेक्स का असली रूप पुलिस के सामने खोल सकती थी, जो कि बाकी टिपिकल रेप एंड रिवेंज फिल्म्स में होता है। मगर डायरेक्टर एंडिंग को और भी ज्यादा रियलिस्टिक और ऑनेस्टली दिखाना चाहते थे, इसलिए कैसी के कैरेक्टर को वो एंड में मार देते हैं, जो कि कुछ व्यूज के हिसाब से काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल एंड डिस्टर्बिंग है। क्योंकि अब मूवी के मेन प्रोटैगनिस्ट को कैसे मार सकते हैं, वो भी उसके हाथों जिसने उसके बेस्ट फ्रेंड का रेप किया था। मगर डायरेक्टर का कहना था कि वो खुद को कभी भी ऐसे जगह में इमेजिन ही नहीं कर सकते जहाँ वो कुछ आदमियों को एक रूम के अंदर चोट पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें कुछ भी नुकसान ना हो। ये बिल्कुल भी सच और रियलिस्टिक नहीं है। उनके लिए सीन को रियलिस्टिकली दिखाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसलिए कैसी जब पार्टी में जाती है तब वो पहले से जानती थी कि उसके साथ कुछ भी हो सकती है, इसलिए वो पहले से एक बैकअप प्लान सेट किया था जिससे उसके मौत के बाद भी उसके दोस्त के रेपिस्ट को सजा और उसे जस्टिस मिल पाए। एक और थ्योरी के हिसाब से अगर कैसी एलेक्स के साथ साथ सभी लोगों को मार देती तो खुद को वो जेल के अंदर पाती, जो कि बिल्कुल भी एक हैप्पी एंडिंग नहीं है और कुछ व्यूज को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मेरे हिसाब से आई नो कि मूवी की एंडिंग थोड़ी सी हार्ट ब्रेकिंग है एंड कुछ व्यूज में गलत भी है, बट मुझे स्ट्रॉन्गली फील होता है कि व्हाट शी डज वाज द ओनली थिंग शी फेल्ट शी कुड डू एंड द रिवेंज हैज नेवर बीन मोर कलरफुल। सो बेसिकली मूवी में हमें हमारे सोसाइटी में सेल्फ प्रोक्लेम्ड और सो कॉल्ड अच्छे लड़कों की डार्क साइड को दिखाने की कोशिश किया गया है, जो कि एक लड़की को हेल्पलेस देखने के बावजूद भी उसका फायदा उठाने के लिए पीछे नहीं होते। इस मूवी की डीप मीनिंग को समझने के लिए मैं आपको एक बार इसे देखने के लिए जरूर रिकमेंड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट को बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज प्लीज अभी कर दीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अपने वीडियोस के नोटिफिकेशंस को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड हैव फन।